राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। संघ की नाराजगी की खबरें आ रही थी तो सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अजीत पवार के एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अजीत पवार एक राज्य मंत्री पद मिलने से नाराज थे। वैसे तो एनसीपी के अंदर ही इसे लेकर घमासान मच गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ही नाराज हो गए। आपस में टकराव के चलते अजीत पवार को बीच बचाव करना पड़ा। अजीत पवार ने साफ कर दिया कि अगर कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलेगा तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी सरकार पर दबाव बना दिया है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक महीने भी सरकार चल जाए तो बहुत होगा। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। शुरुआत में तो खबर यहाँ तक आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह का मंत्रिमंडल से पत्ता कट गया है, लेकिन बाद में उनका नाम जोड़ा गया और उन्होंने भी शपथ ली। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को भी मंत्री बनाया गया है। पहले कहा जा रहा था कि मोदी इस बार नितिन गडकरी को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरएसएस के दबाव में गडकरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं जेडीयू कोटे से ललन सिंह को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो आरएलडी के जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाया गया। मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। पहले दिन से ही उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। दरअसल जेडीयू और टीडीपी की तरफ से दावा बिना शर्त समर्थन का किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे समर्थन की पूरी कीमत वसूली जा रही है। बड़े मंत्रालयों पर दोनों की नजरें टिकी हुई है। जेडीयू रेल मंत्रालय चाहता है तो टीडीपी गृह वित्त मंत्रालय के साथ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी मांग रही है। गृह मंत्रालय को लेकर तो बीजेपी के सहयोगियों ने यहां तक कह दिया है कि अगर बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है तो बीजेपी अपना गृह मंत्री बना ले, लेकिन अमित शाह की जगह इस मंत्रालय की कमान किसी दूसरे मंत्री को सौंपे। शाह को लेकर सहयोगी दलों में नाराजगी दिख रही है। वैसे सहयोगी तो यहां तक चाहते थे कि अमित शाह को मंत्री ही नहीं बनाया जाए, लेकिन शाह मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। सहयोगियों को मनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में साफ है कि नरेंद्र मोदी दबाव में दिख रहे हैं। पहली बार गठबंधन की सरकार चलाने को मजबूर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार कितने दिनों तक चल। मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची ने सबको चौंका दिया है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल सामने आया है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें इस बार शपथ ग्रहण समारोह का न्योता तक नहीं दिया गया, तो कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नए चेहरे जिन्हें शामिल किया गया है उनकी खुशी तो देखने लायक है, लेकिन लगभग दो दर्जन ऐसे पुराने नाम हैं जो इस बार के मंत्रिमंडल की सूची में नजर नहीं आए, जिन्हें पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया था। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ चुनाव लड़ा है बल्कि जीत भी हासिल की है, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इन नेताओं में प्रमुख तौर पर अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, निशित प्रामाणिक, अजय मिश्र टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, अश्विनी चौबे, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत करार, इसके अलावा भी कई नाम शामिल हैं। इस सूची के सामने आने के बाद बीजेपी सवालों से घिर गई है। जिन चेहरों पर पहले उसे इतना भरोसा था, इस बार उन्हीं नेताओं का पत्ता काट दिया गया है।